हेलो गुड इवनिंग, मैं विक्की चौहान आपके साथ आपके यूट्यूब चैनल पीएससी अड्डा पर। कल जो है अपनों ने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट डिस्कस किया है, आज जो है उसी को आगे बढ़ाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड पार्ट में अपन डिस्कस कर रहे हैं। कल मैं पढ़ा चुका हूँ कि बेसिक जो रेशो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 6 होते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा आपका कर्ण बटे लंब। उसके बाद बात करते हैं कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, कोस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। उसके बाद अगर बात करें तो लास्ट कौन सा होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटे आधार, और टेन का उल्टा क्या होता है कोट थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे लंब। आज जो है अपन क्वाड्रेट के बारे में बात करेंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं अपन चतुर्थांश। क्लियर है? तो जो क्वाड्रेट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं। ये होता है आपका पहला क्वाड्रेंट, ये होता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए कि ये जो एक्सिस होता है ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ये आपका होता है वाई एक्सिस, ये आपका होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये आपका होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर है यहाँ तक? अब फॉर एग्जांपल इस ये पूरा क्वाड्रेंट चलता कैसे है उसकी बात करते हैं अपन। तो मान लो कि यहाँ पे अपन एक त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पे अगर एक त्रिभुज बनाते हैं वो ये वाला कोण जो है कौन सा होगा अपना 90 होगा। ये अगर 90 होगा तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होगी कर्ण, ये क्या होगा आपका कर्ण, और यहाँ पे जो है क्या होगा ये आधार होगा। ये मान लीजिए यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है थीटा डिग्री का, तो ये क्या होगा आपका आधार, और ये क्या होगा लंब। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है आपकी लंब। अब यहाँ पे अगर देखें कि यहाँ से अगर कोई दूरी चलेंगे अपन तो आधार भी क्या होगा पॉजिटिव, ये यहाँ पे जो दूरी चलेंगे वो क्या होगी आपकी पॉजिटिव, ये भी क्या होगी पॉजिटिव, ये क्या होगी आपकी नेगेटिव, और ये भी क्या होगी आपकी नेगेटिव। तो ये दूरी अगर पॉजिटिव होगी ये भी पॉजिटिव होगी, और अपने को पता है कि पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब ये जो भी वैल्यू निकलेगी कर्ण की वो हमेशा क्या होगी आपकी पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे सभी रेशो क्या है प्लस है, मतलब इस वाले केस में आपने को ये ध्यान रखना है कि पहले जो क्वाड्रेंट होते हैं इसमें सभी जो 6 रेशो होते हैं वो क्या रहते हैं सभी क्या रहते हैं पॉजिटिव रहते हैं, सभी क्या रहते हैं पॉजिटिव रहते हैं। अब सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें अपन, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर यहाँ से अपन एक त्रिभुज बनाते हैं, अगर ये वाला अपने त्रिभुज बनाया तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का, मतलब ये क्या होगा आपका कर्ण, ये क्या होगा आधार। यहाँ पे अगर अपन 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी आपकी कर्ण, ये वाला पार्ट क्या होगा आधार, और यहाँ पे जो ये थीटा डिग्री का अगर एंगल है तो ये थीटा के सामने क्या होगा लंब होगा। अब यहाँ पे अगर देखें नोटिस करें अपन, तो अपने को पता है कि अंडरूट में जो भी वैल्यू निकलेगी वो प्लस निकलेगी, मतलब कर्ण तो जो है हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। यहाँ पे लंब भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, और ये आधार क्या होगा नेगेटिव होगा। तो आप ये देखो कि ऐसे कौन से रेशियो है जिसमें आधार क्या आता हो आधार आता हो। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो अपन साइन में आधार आएगा क्या, अगर साइन में नहीं है तो कोसेक में भी नहीं होगा। यहाँ पे अगर देखते हैं तो कोस में क्या होगा आधार आएगा, मतलब जो भी वैल्यू आधार की आएगी वो क्या आएगी माइनस की आएगी, और कोस में अगर आधार आएगा तो सेक में भी आएगा। ऐसे कैसे टेन में अगर आधार आ रहा है तो कोट में भी क्या आएगा आधार आएगा, मतलब वो वाले पार्ट जिसमें आधार आ रहा है वो सभी क्या रहेंगे इस वाले क्वाड्रेंट में क्या रहेंगे आपके नेगेटिव रहेंगे। कौन कौन से नहीं आ रहे हैं, तो इसमें जो है साइन और कोसेक नहीं आ रहे हैं, तो साइन और कोसेक दोनों क्या रहेंगे इसमें पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या रहेंगे नेगेटिव रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तीसरे क्वाड्रेंट की बात करते हैं अपन, तो तीसरे क्वाड्रेंट में आप ये देखिए कि ये वाला अगर अपन त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाला त्रिभुज बनाएंगे तो ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी ये कर्ण क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, कर्ण क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ये वाला जो है अगर ये एंगल अपन थीटा लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है आपकी, इसके सामने वाली भुजा होगी आपके लंब, तो लंब भी यहाँ पे नेगेटिव होगा और आधार भी क्या होगा नेगेटिव होगा, और कर्ण तो हमेशा क्या रहता है पॉजिटिव रहता है। अगर फॉर एग्जाम्पल इस वाले पार्ट की बात करते हैं अपन, तो इसमें लंब आ रहा है तो लंब क्या होगा नेगेटिव होगा, मतलब साइन तो क्या होगा इसमें नेगेटिव होगा। अगर साइन नेगेटिव होगा तो साइन का उल्टा भी क्या होगा आपका कोसेक भी क्या होगा नेगेटिव होगा। अगर कोसेक की बात करें तो कोसेक में आधार क्या आ रहा है यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, मतलब कोसेक में ये क्या होगा नेगेटिव होगा, तो ये भी क्या होगा नेगेटिव होगा। अगर टेन की बात करते हैं तो टेन में यहाँ पे जो ये तीसरे क्वाड्रेंट में लंब क्या आ रहा है माइनस का आ रहा है, आधार भी कितना आ रहा है माइनस, तो माइनस से माइनस अगर कैंसिल कर देंगे तो तीसरे क्वाड्रेंट में अपन ये बता सकते हैं कि
टेन और कोट क्या रहेंगे पॉजिटिव, बाकी सब क्या रहेंगे नेगेटिव रहेंगे। तो टेन थीटा और कोट थीटा क्या रहेंगे पॉजिटिव, बाकी सब क्या रहेंगे नेगेटिव रहेंगे। चौथे क्वाड्रेंट की अगर बात करें अपन, तो चौथा क्वाड्रेंट अपन यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री का, ठीक है, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री का। ये हमेशा क्या होता है आपका कर्ण होता है, मान लो ये वाला कितना है थीटा डिग्री का एंगल है, तो ये क्या होगा लंब, और ये आधार तो यही रहेगा, और कर्ण कौन सा हो गया। तो इस वाले क्वाड्रेंट में अगर बात करें तो आधार तो पॉजिटिव होगा, लंब क्या होगा नेगेटिव, वो कर्ण तो हमेशा पॉजिटिव होता है आपका, क्योंकि अंडरूट में से वैल्यू निकलती है। तो आप यहाँ पे देखो कि ये जो है जिस रेशो में लंब आएगा वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है लंब आ रहा है, मतलब ये वाला पूरा पार्ट क्या होगा नेगेटिव। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है लंब आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा टेन थीटा में भी क्या आ रहा है लंब आ रहा है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोसेक थीटा की अगर बात करें तो यहाँ पे लंब का रोल ही नहीं होता है, मतलब यहाँ पे जो है माइनस का चिन्ह नहीं आएगा। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि चौथे क्वाड्रेंट में जो है कोस थीटा और सेक थीटा क्या रहते हैं पॉजिटिव रहते हैं, बाकी क्या रहते हैं नेगेटिव रहते हैं। ये अपनों ने जो है पूरा क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस किया है। अब जो है यहाँ से अपन अगर सिस्टोमेटिक अगर पढ़ा जाए तो अपन ये कह सकते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में सभी क्या रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे, मतलब ऑल क्या रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, अगर साइन पॉजिटिव साइन का उल्टा भी क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। तीसरे क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो क्या बोल सकते हैं अपन कि सर टेन इसमें क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, अगर टेन पॉजिटिव रहेगा तो टेन का उल्टा भी क्या रहेगा कोट भी क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा। और चौथे क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो चौथे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहेगा कोस क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, अगर कोस पॉजिटिव रहेगा तो सेक भी क्या रहेगा आपका पॉजिटिव रहेगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ए एस टी ओ सी पहले क्वाड्रेंट में सभी क्या रहेंगे पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में क्या रहेंगे साइन, एस से कौन आया यहाँ पे साइन, साइन अगर पॉजिटिव है तो कोसेक भी क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। तीसरे क्वाड्रेंट में अगर बात करें तो टी फोर कौन होगा यहाँ पे टेन, टेन अगर पॉजिटिव टेन का उल्टा भी क्या होगा कोट, ये भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। चौथे अगर क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो चौथे क्वाड्रेंट में अगर सी से कौन आया यहाँ पे कोस थीटा, तो कोस अगर पॉजिटिव रहेगा तो सेक भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। ये अपने ने जो है क्वाड्रेंट के बारे में बात की है, इससे रिलेटेड क्या सवाल बनते हैं एग्जाम में देख लेते हैं एक दो अपन सवाल देखते हैं। अभी जो है अपनों ने क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस किया है, अब क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस किया है तो क्वाड्रेंट से जो रिलेटेड जो सवाल आते हैं उसकी बात करते हैं। आपको सवाल ये दे रखा है कि यदि थीटा दूसरे चतुर्थांश में, मतलब जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो गिवन है कि 3 tan थीटा प्लस 4 बराबर कितना है 0 है। तो आपको ये बताना है कि 15 sin थीटा प्लस 10 cos थीटा माइनस 8 cot थीटा का मान कितना होगा। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि थीटा अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये होता है, आप बोलोगे कि सर साइन और कोस कोसेक क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे नेगेटिव रहेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले अपन जो है आपको दे रखा है कि 3 tan थीटा बराबर कितना है 4 है, तो 3 tan थीटा बराबर कितना हो गया यहाँ से माइनस 4। तो यहाँ से बोला जा सकता है कि 10 थीटा बराबर क्या हो गया माइनस 4 बटे कितना हो गया 3 हो गया, क्लियर है। अब आपको पता है कि 10 थीटा बराबर होता क्या है, 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होगा आपका आधार होगा। तो लंब मतलब ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री का होगा अपना, ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री का होगा तो ये वाला क्या होगा कर्ण, और ये अगर थीटा डिग्री है तो ये वाला क्या होगा लंब, और ये क्या होगा आधार। तो 10 थीटा बराबर माइनस 4 बटे 3 का मतलब लंब की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस 4 और आधार की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ से कर्ण की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा प्लस में 16 ही आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका 3 आएगा, दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ 25 हुआ, मतलब इसका कितना निकला 5। सर थोड़ा सा आवाज़ कम कर देती है, ठीक है। हाँ देखते हैं अपन यहाँ पर कि कर्ण की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से 5 हो गई। अब अपने को ये वैल्यू निकालना है, इस वैल्यू की ये वैल्यू निकालना है। हाँ सर ये कप ले लीजिए आप। अब अपने को ये वाली वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए, कोट थीटा की वैल्यू चाहिए अपने को। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, आप बोलोगे सर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कितना होता है कर्ण होता है। तो लंब की वैल्यू कितनी है यहाँ से माइनस 4 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 5, क्लियर है यहाँ तक।
उसके बाद अपने को वैल्यू रखनी है कोसेक थीटा की। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है आपका, तीन है, और कर्ण कितना है, पाँच है। तो आधार है आपका तीन और कर्ण कितना है, पाँच है। उसके बाद अगर कोट थीटा की अगर बात करते हैं तो कोट थीटा बराबर क्या होता है आपका, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है आपका, तीन, और लंब कितना है आपका, चार है। अब इस सवाल में बोला गया है कि ये जो थीटा है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, दूसरे क्वाड्रेंट में। अगर थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में है तो दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन और कोसेक क्या रहता है, पॉजिटिव, बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब माइनस चार बटे पाँच की जगह कितना हो जाएगा, प्लस चार बटे पाँच। साइन और कोसेक क्या रहेंगे, पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में थ्री बटे पाँच, तीन बटे पाँच, और कोट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में तीन बटे चार। ये सभी वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करते हैं अपन तो पंद्रह ऐसा कैसा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, चार बटे पाँच, क्लियर है। उसके बाद अगर बात करते हैं दस ऐसा कैसा, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस में तीन बटे पाँच, माइनस में कितना है आपका, तीन बटे पाँच। उसके बाद माइनस ऐसा कैसा, कोट थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस में तीन बटे चार। इसी सभी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो गया, ऐसे तीन, तो टोटल ये कितना हो गया, बारह, माइनस इससे ये कितनी बार गया, दो बार, तो ये हो गया छः, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का कितना हो गया आपका, छः। इससे ये कितनी बार गया आपका, दो बार गया, तो ये कितना हो गया ऐसे, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, प्लस मतलब कितना हो गया ऐसे, प्लस का छः। क्लियर है यहाँ तक। इन सभी को अगर अपन ऐड करते हैं तो वैल्यू कितनी निकली अपनी लास्ट, 24। तो अपना फाइनल आंसर क्या हो गया इस सवाल का, 24। क्लियर है यहाँ तक, नोट कीजिए इसको जल्दी फटाफट आप। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं अपन। इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे अपन माइनस का चिन्ह कंसीडर कर रहे हैं, जो कि पूछा क्या है अपने को, प्लस का पूछा है। तो एक काम कीजिए कि यहाँ पे क्या चिन्ह कर लीजिए आप, यहाँ पे माइनस का चिन्ह कर लीजिए। तो आंसर कितना हो गया आपका, माइनस का चिन्ह करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, और ये कितना हो गया, छः, और ये भी कितना हो गया, ऐसे छः। सभी को जोड़ेंगे तो आंसर कितना हो गया आपका, 24। तो इस सवाल का फाइनल आंसर कितना आ रहा है आपका, 24 आ रहा है, ठीक है, नोट कीजिए इसको जल्दी आप। ये जो है अपनों ने क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस की, इसके सवाल जो है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करूँगा। आज जो है इस पार्ट के अंदर अपनों ने ये पढ़ा कि क्वाड्रेंट कैसे चलता है, कोई वैल्यू कैसे जनरेट होती है, ए एस टी सी क्या है, ठीक है। तो आप जो है घर जाके इस पर पूरा काम कीजिए, इसके सवाल जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें आप। थैंक यू वेरी मच।